गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस साल का जो जेई मेंस का पहला पेपर है उसको डिस्कस करेंगे, है ना। स्पेशली आप देखेंगे जो फिजिक्स का पेपर था उसमें जो भी मेंस के स्पेशल टॉपिक होते हैं, जो स्पेशली मेंस में आते हैं, एडवांस में नहीं आते, उन टॉपिक्स के से भी एक एक क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। जैसे सेमी कंडक्टर से पूछा गया है, डिफ्रैक्शन से पूछा गया है, है ना। पेपर जो है वैसे देखने में ईजी से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जो है इसमें ज़्यादा है, है ना। तो पेपर एक तरह से कह सकते हैं कि अगर कोई थोड़ा बहुत भी बढ़िया से अगर पढ़ा होगा तो इसके 80% क्वेश्चन जो है आसानी से सोल्व किए जा सकते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग सोल्व करके देखते हैं, जो कि रोटेशन चैप्टर से है। ये पहला क्वेश्चन है, कहा गया है अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ पुली इन फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर। देखेंगे यहाँ पर इसका डायग्राम बनाया है। ये जो पुली है वो डिस्क के फॉर्म में है जिसका रेडियस है आर और मास है एम। इससे एक ब्लॉक को लटकाया गया है, इस ब्लॉक का मास भी एम ही है। कहा गया है द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क व्हेन ब्लॉक हैज ड्रॉप्ड बाय हाइट एच। ठीक, तो ये जो ब्लॉक है सपोज यहां पर था तो ये रेस्ट पर था, है ना, और जब यहाँ से h नीचे आएगा तब इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें पता करना है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। रोटेशन चैप्टर में हम लोग जानते हैं कि जो पुली और स्ट्रिंग होता है उसके बीच में स्लिपिंग नहीं होता, ऐसा यहाँ पर पहले से मेंशन किया हुआ है, देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर, है ना। तो इसमें स्लिपिंग नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर एनर्जी कंजर्व रहता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग लगाएंगे, इसमें क्या हो रहा है कि जो ब्लॉक है वो एच हाइट नीचे गया तो पोटेंशियल एनर्जी केवल इसकी घटी होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो अगर हम पूरे सिस्टम की बात करें तो सिस्टम में इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी घटेगी बाई अमाउंट एम जी एच, इसकी घटी और काइनेटिक एनर्जी दोनों की बढ़ी है। अगर मैं ये मान लूँ कि ये ब्लॉक वी वेलोसिटी से जा रहा है ना, और ये ओमेगा से जा रहा है, ठीक है, तो कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन से क्या होता है, कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन से हम लोग जानते हैं कि अगर ये ओमेगा से घूम रहा हो तो ये जो पॉइंट है और ये जो स्ट्रिंग है ये दोनों कॉन्टेक्ट में है, ठीक है, दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं है, तो ये पुली जो कि रोटेट कर रहा है तो इसका वेलोसिटी आएगा वी जो है वो आएगा ओमेगा इंटू आर, और जितनी वेलोसिटी इस पॉइंट की होना चाहिए सरकमफेरेंस की उतनी ही इस स्ट्रिंग की होनी चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रहा, रिलेटिव मोशन नहीं है, है ना। तो इसका वेलोसिटी वी, देखेंगे स्ट्रिंग जितनी वेलोसिटी से जा रहा होगा उतनी वेलोसिटी से ब्लॉक नीचे आ रहा होगा, है ना। तो वी और ओमेगा में ये रिलेशन होगा वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, है ना। तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी इनकी लॉस हुई है सिस्टम की कह सकते हैं। इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस डिस्क जो है ये पुली जैसा है तो उसका हम लोग लिखेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि वो प्योर रोटेशन कर रहा है, उसका एक्सिस फिक्स्ड है तो केवल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उसका लिखेंगे, है ना। तो हाफ एम जो वी है इसको ओमेगा आर लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया, प्लस हाफ आई जो है इसको लिखा जा सकता है डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो ये आएगा 3/4 एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, और ये हो गया एम जी एच के इक्वल। तो यहाँ से एम और एम जो है वो कैंसिल हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी निकालना था हमें, है ना, इसमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना था, तो यह आएगा 1/r अंडर रूट 4gh डिवाइडेड बाई 3, है ना। तो देखेंगे यहाँ पर जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें पहला जो ऑप्शन है वो सबसे करेक्ट दिख रहा है, बाकी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये जो क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है। सिंपल सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है अगर उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें कहा गया है 3 मासेज 1 kg, 1.5 kg एंड 2.5 kg आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेज ऑफ अ ट्राइंगल विथ साइड्स 3 cm, 4 cm एंड 5 cm
एज शोन इन फिगर। देखेंगे यहाँ पर फिगर बनाया गया है, इसका ये साइड है 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर 1 kg का पार्टिकल है, यहाँ पर 1.5 kg का पार्टिकल है, यहाँ पर 2.5 kg का है, ठीक है। अब पूछा गया है द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू 1 kg मास। मतलब विथ रेस्पेक्ट टू 1 kg मास का मतलब ये हुआ कि 1 kg का मास का जो लोकेशन है उसको हमें ओरिजिन मारना पड़ेगा और फिर वहाँ से हम लोग डिस्टेंस बता सकते हैं, ठीक है। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जैसे हम लोग पता करते हैं वैसे ही पता करना है, बताना है कि 1 kg से जो 1 kg है उससे कितना राइट में है और 1 kg से कितना ऊपर में सेंटर ऑफ मास आएगा, है ना। ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले हम लोग निकालेंगे सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, हमें पता है ये होता है m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना। तो ये जो इसको मैं m1 मान लेता हूँ, मास है 1 kg, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, ठीक। इसका मास है 2.5 kg और इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट है 0। ये जो है 1.5 kg मास है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 3 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय टोटल मास 1 + 2.5 + 1.5, है ना। तो ये देखेंगे आएगा, ऊपर आएगा 4.5 सेंटीमीटर, है ना, और ये हो गया नीचे 5, है ना। तो ये आ जाएगा 0.9 सेंटीमीटर एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक। इसके बाद सेंटर ऑफ मास का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो फाइंड करना हो तो फॉर्मूला ये लगाएंगे, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना। तो फिर से m1 है 1 kg है, उसका कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 0 है, प्लस जो m2 है उसका मास है 2.5 kg और उसका y कोऑर्डिनेट 4 सेंटीमीटर माना जाएगा, है ना, 4 सेंटीमीटर, प्लस m3 जो है इसका मास है 1.5 kg और इसका y कोऑर्डिनेट है 0, डिवाइडेड बाई टोटल मास 1 + 2.5 + 1.5, है ना। तो ये देखेंगे ये हो जाएगा 10 / 5, यानी कि 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो y कोऑर्डिनेट का मतलब ये हुआ कि 2 सेंटीमीटर यहाँ से ऊपर, 1 kg का जो पार्टिकल है इससे 2 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर कहीं आएगा। और x कोऑर्डिनेट का मतलब 0.9 सेंटीमीटर यहाँ से इधर, तो ये डिस्टेंस 0.9 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। तो ये कह सकते हैं कि 1 kg से 0.9 सेंटीमीटर राइट में और 2 सेंटीमीटर ऊपर, है ना। तो ऑप्शन 2 जो है, ऑप्शन 2 देखेंगे, कहा गया 0.9 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ 1 kg एंड 2 सेंटीमीटर एवव 1 kg मास। तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये जो है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन से रिलेटेड है, है ना। बहुत सिंपल सा है, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इसमें क्या पूछा गया है, इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन सेटअप, है ना, इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन सेटअप सेकेंड मिनिमा इज ऑब्जर्व एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, द एक्सपेक्टेड पोजिशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा इज, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में, है ना, हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्लीट है इसको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ना डिवाइड करके ये जो थीटा है ये एंगुलर पोजीशन बताता है किसी भी मिनिमा या मैक्सिमा का। तो मिनिमा के लिए जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो ये होता है d sin θn = (n λ), है ना। ये होता है n जो है वो ऑर्डर ऑफ मिनिमा है, ऑर्डर ऑफ मिनिमा, ठीक है। तो इसमें d क्या होता है, ये जो स्लिट है इसका विड्थ होता है, स्लिट विड्थ यहाँ पर d है, है ना। तो अगर हम बात करें सेकेंड ऑर्डर की, फॉर सेकेंड ऑर्डर मिनिमा
देखेंगे ये आएगा डी साइन थीटा एन जो है इसको हम लोग लिखेंगे थीटा सेकेंड ऑर्डर मिनिमा के लिए थीटा का वैल्यू 60 डिग्री क्वेश्चन में बताया गया है ना। यहाँ पर देखेंगे ये कहा गया है 60 डिग्री के लिए है ना इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा। तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ रूट 3 बाई 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई डी। यानी यहाँ से लैम्डा बाई डी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा रूट 3 बाई 4 और ये वैल्यू हम लोग आगे यूज करेंगे है ना फॉर फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के लिए। इसमें एन का वैल्यू 1 रख देंगे तो ये आएगा डी साइन थीटा 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 इंटू लैम्डा है ना। इसमें एन का वैल्यू 1 रखेंगे क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा की बात कर रहे हैं। ये सेकेंड ऑर्डर था तो एन का वैल्यू 2 रखेंगे तो थीटा 2 जो है वो 60 डिग्री दिया था एन का वैल्यू यहाँ पर 2 रख दिया था हमने है ना। तो इसमें क्या करेंगे साइन थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी हो गया जो कि हमने फाइंड किया यहाँ पर ये रूट 3 बाई 4 है ना। तो देखेंगे ये जो वैल्यू है ये 1/2 से कम है 1/2 से कम है यानी थीटा का वैल्यू 30 डिग्री से भी कम आएगा। यहाँ से आप जो साइन टेबल है साइन टेबल से पता करेंगे तो उसे थीटा 1 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री आएगा है ना। तो ऑप्शन में 25 डिग्री दिया हुआ है पहले ऑप्शन में तो पहला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है ना। इसमें कहा गया है देयर आर टू इनफाइनाइट प्लेन शीट्स ईच हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 30 डिग्री एज शोन इन फिगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी आर्बिट्री पॉइंट पी इज। देखेंगे यहाँ पर दो इंक्लाइन प्लेन दिए गए हैं एक ये इंक्लाइन प्लेन है एक ये इंक्लाइन प्लेन है। एक्चुअली में क्या है कि ये एक कह सकते हैं कि इनफाइनाइट लेयर ऑफ चार्ज है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है ना। पॉजिटिव मानेंगे ये पूरा पॉजिटिव चार्ज का लेयर है और ये जो है ये भी एक पॉजिटिव चार्ज का इनफाइनाइट लेयर है इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अब कोई आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेते हैं बीच में है ना। हमें पता है कि ये जो लेयर होता है इनफाइनाइट लेयर होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट होता है यूनिफॉर्म होता है किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे सेम मैग्नीट्यूड आएगा। तो इस पॉइंट पर अगर मान लेते हैं कि ये पॉइंट पी है ना तो यहाँ पर इसकी वजह से फील्ड निकालेंगे तो आएगा परपेंडिकुलर बिल्कुल इधर आएगा है ना। और इसकी वजह से निकालना होगा तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे इधर आएगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो आना चाहिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जैसा कि हम लोग जानते हैं हर एक इनफाइनाइट लेयर की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना। तो यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखेंगे ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री आएगा क्योंकि इस लाइन के पैरेलल लाइन है इसको ये काट रहा है ठीक। ये 30 डिग्री है ये तो 90 हो गया इसका मतलब ये होगा 60 डिग्री तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो गया ठीक। अब इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो क्या करेंगे इनको कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे ये है इसका कंपोनेंट इधर आएगा ई कॉस 60 डिग्री और इधर आएगा ई साइन 60 डिग्री है ना। मैं ऊपर वाला जो डायरेक्शन है ये वाई डायरेक्शन है और इधर वाला डायरेक्शन जो है वो एक्स डायरेक्शन है ठीक। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पहले देखेंगे इसकी वजह से लिखता हूँ मैं है ना। ये जो प्लेन है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कॉम्पोनेंट है एक इधर तो इसको लिखेंगे ई साइन 60 माइनस आई कैप निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है और प्लस ई ये जो है इसमें करेक्ट करेंगे ये कॉस 60 है साइन 60 नहीं है ना। निगेटिव वाई डायरेक्शन में है साइन 60 ई साइन 60 माइनस जे कैप और ये जो लेयर है इसकी वजह से ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में आया है तो लिखेंगे ई जे कैप है ना। अब सबको ऐड कर देते हैं तो आई कैप वाला एक जगह आएगा है ना।
तो ये हो जाएगा e by 2, है ना, ये हो जाएगा e और ये हो गया 1/2। तो e का वैल्यू है सिग्मा by 2 एप्सिलॉन नॉट, cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो ये हो गया माइनस आई कैप, ठीक। प्लस इसको भी लिखेंगे सिग्मा by 2 एप्सिलॉन नॉट, देखेंगे यहाँ भी e है सिग्मा by 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी सिग्मा by 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, तो यह आएगा 1 माइनस साइन 60 डिग्री होता है रूट 3/2, इतना आ गया जे कैप, है ना। तो अगर हम लोग ओवरऑल में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, है ना, तो ये आ जाएगा 1 माइनस रूट 3/2 जे कैप माइनस ये देखेंगे 1/2 आई कैप, है ना, माइनस में आई कैप, ये आ गया। अब ऑप्शन में जो है वो जे कैप नहीं लिख करके जे कैप के बदले में वाई कैप लिखा गया है, है ना, जो क्वेश्चन में दिया गया है, और आई कैप के बदले में एक्स कैप लिखा गया है, ठीक है। तो देखेंगे आप ये जो आंसर है वो मैच कर रहा है पहले वाले से, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस रूट 3/2, जे कैप हमारा आया था यहाँ पर वाई कैप लिखा है, माइनस 1/2 हमारा आई कैप आया था यहाँ पर एक्स कैप लिखा है, तो ये जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि कैपेसिटर से रिलेटेड है, है ना। तो इसमें पूछा गया है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन डी इज फिल्ड विथ अ डायलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट गिवेन बाई के इज इक्वल टू के नॉट 1 + α x, है ना। तो एक डायग्राम दिया गया है क्वेश्चन में, आप देखेंगे एक कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया ए है, टोटल सेपरेशन जो है वो डी दिया गया है, इसमें डायलेक्ट्रिक भरा गया है, लेकिन डायलेक्ट्रिक जो है वो हर जगह उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कांस्टेंट मतलब फिक्स नहीं है, वो डिस्टेंस के साथ में चेंज हो रहा है ना। एक्स जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ता जा रहा है तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बढ़ता जा रहा है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन k इज इक्वल टू के नॉट 1 + α x, है ना। जैसे जैसे x इंक्रीज होगा k का वैल्यू इंक्रीज होगा, है ना। कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम गिवेन अल्फा इंटू डी इज वेरी वेरी स्मॉलर देन 1। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, चूंकि ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, जो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो कंटिन्यूसली x के साथ में वेरी कर रहा है, तो हम लोगों को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का एक एलिमेंट ले लेते हैं, है ना। सबसे पहले इस एलिमेंट का हम लोग कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे, इस एलिमेंट का जो कैपेसिटेंस आएगा dc वो आना चाहिए k एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया डिवाइडेड बाई इसका जो थिकनेस है यहाँ से dx, ये इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा, है ना। कैपेसिटेंस एक्चुअली में होता है k एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो चूंकि ये जो है ये जो डायलेक्ट्रिक है इसके ऐसे कर सकते हैं एक प्लेट यहाँ पर एक प्लेट यहाँ पर, तो थिकनेस जो है उसका दोनों के बीच में जो गैप है वो dx हो गया। तो ये आ गया इस छोटे से एलिमेंट का कैपेसिटेंस, ऐसे इसमें हजारों एलिमेंट्स बनेंगे, इसके पैरेलल ही एक एलिमेंट यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा यहाँ, ये सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो एक्चुअली में सीरीज में होंगे, क्योंकि जो करंट इससे पास करेगा वही सबसे पास करके जाएगा, तो सारे एलिमेंट्स सीरीज में हैं। जब सीरीज में जो है कैपेसिटर होते हैं तो उनको किस तरह से ऐड करते हैं, उनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, सीरीज में ऐड करने का तरीका है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस तरह से, है ना। तो एक एलिमेंट है यहाँ पर, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ 1/DC, है ना, इसका ऐसे हजारों हैं यहाँ पर एलिमेंट्स, सबको जोड़ना है, यहाँ पर क्या बोला गया है जोड़ना है, तो जोड़ने का काम मतलब हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना, तो जा करके टोटल 1/C इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि देखेंगे डी सी ये दिया हुआ है, तो 1/DC कितना आएगा dx डिवाइडेड बाई k एप्सिलॉन नॉट a। अब यहाँ पर ये है कि जो k है इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है dx डिवाइडेड बाई k का वैल्यू यहाँ पर देखें बताया गया है k नॉट
वन प्लस अल्फा इंटू एक्स, इसमें अल्फा और के नॉट कॉन्स्टेंट है ना, के नॉट वन प्लस अल्फा एक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये हो गया। अब x का जो वैल्यू है यहाँ पर वो जीरो से d तक वेरी कराना है, जीरो से d तक, ठीक। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा है ना, इसमें देखेंगे कई सारे टर्म जो कांस्टेंट है, वन बाई के नॉट एप्सिलॉन नॉट ए, ऊपर हो गया dx और नीचे हो गया वन प्लस अल्फा एक्स जीरो टू d। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे के नॉट एप्सिलॉन नॉट ए, तो ये आएगा लॉग में है ना, लॉग वन प्लस अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई अल्फा, एक्स के साथ में जो कांस्टेंट है उसे हम लोग डिवाइड कर देंगे और लिमिट जीरो से डी है ना। तो लिमिट रखने के बाद यह आएगा वन बाई के नॉट एप्सिलॉन नॉट ए इंटू अल्फा लॉग वन प्लस अल्फा डी है ना, डी रखेंगे तो, और जीरो रखेंगे तो वन प्लस जीरो हो जाएगा, लॉग वन जो है वो जीरो होता है, ठीक है। तो ये आया। अब इसमें खास बात ये है कि ये जो अल्फा डी है, अल्फा डी को बताया गया वन से बहुत छोटा है ना, जैसे अगर लॉग वन प्लस एक्स हो, एक्स वन से कम हो, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, इस तरह से इसका एक्सपेंशन होता है। तो ये एक्सपेंशन हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, वन बाई के नॉट एप्सिलॉन नॉट ए इंटू अल्फा है ना, तो ये हो जाएगा अल्फा डी माइनस अल्फा डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, हाइयर टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे आगे जो आएगा टर्म, क्योंकि अल्फा डी का वैल्यू वन से कम है पहले से ही, और पावर बढ़ता जाएगा तो और छोटा होता जाएगा है ना। तो इसमें क्या करेंगे, देखेंगे अल्फा डी मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो अल्फा डी डिवाइडेड बाई के नॉट एप्सिलॉन नॉट ए अल्फा लॉग है ना, लॉग यहाँ से गायब हो गया है, तो ये आएगा वन माइनस अल्फा डी डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ से अल्फा और यहाँ से अल्फा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये वन बाई सी इक्विवेलेंट आया है। अगर मैं इसमें से सी इक्विवेलेंट निकालना चाहूँ तो उसको उल्टा करना पड़ेगा है ना, वन बाई सी इक्विवेलेंट ये था, सी इक्विवेलेंट उल्टा करेंगे तो ये आएगा के नॉट एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी है ना, वन माइनस अल्फा डी बाई टू पावर माइनस वन है ना। तो के नॉट एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, चूँकि अल्फा डी वन से छोटा है ना, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, तो वन माइनस माइनस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो वन प्लस अल्फा डी बाई टू, ये आएगा सी इक्विवेलेंट टोटल। तो ऐसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन टू है इसमें एग्जैक्टली उतना ही आंसर आया है, के नॉट एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी वन प्लस अल्फा डी बाई टू, तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन है इसका।